हाय स्टूडेंट्स, आप में से कुछ लोग मुझे जानते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए एक नया चेहरा है। उन दोनों के लिए आज से हम एक न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो आपकी ट्वेल्थ की बायोलॉजी की होंगी। हर एक टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, उससे रिलेटेड जो भी CBSE के क्वेश्चंस आए हुए हैं और जो आ सकते हैं उन चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस होंगी। इन लेक्चर सीरीज़ की जो खासियत होगी वो ये होगी कि आपका जो मिसकंसेप्शन है ना कि बायो में बहुत ज़्यादा रटना पड़ता है, बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है, ये आपका मिसकंसेप्शन ख़त्म हो जाएगा। अल्टीमेटली आपको बायो एक फन सब्जेक्ट लगेगा जिसमें आपकी लाइफ से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें होंगी उससे रिलेटेड कोई ना कोई ट्रिक्स मैं आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड बताऊँगी, तो आपके माइंड में रहेगा हाँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड वो ट्रिक था तो इससे ये चीज़ जुड़ जाएगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऐसा नहीं होगा कि एक चैप्टर पढ़ेंगे हम और दूसरा चैप्टर भूल जाएंगे और उससे पहले वाला चैप्टर भूल जाएंगे। एक चैप्टर हमेशा दूसरे चैप्टर से इंटरकनेक्टेड तरीके से कैसे पढ़ा जाएगा ताकि आपकी एक प्रॉपर सीक्वेंस बने पढ़ने का, ठीक है। तो इस चीज़ से हम एक शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ये जो चैप्टर है ये बेसिस है आपका चैप्टर सेकेंड और चैप्टर थर्ड का। इस चैप्टर में सारी वो इम्पॉर्टेंट टर्म्स इंक्लूडेड हैं जो बेसिक टर्म्स आप यूज़ करेंगे फॉर रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट्स, इन केस ऑफ एनिमल्स एंड इन केस ऑफ वेरियस अदर ऑर्गेनिजम्स, सिंपल ऑर्गेनिजम्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, सबकी जो रिप्रोडक्शन के लिए रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं वो इस चैप्टर में आपको समझाई गई हैं। इस चैप्टर में आगे बढ़ते बढ़ते आपको ये भी बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ आपको CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा पोर्शन आपका इंपॉर्टेंट है। साइमल्टेनियसली आपको इसी वीडियो के दौरान पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन CBSE में आए हुए हैं और कहाँ कहाँ से और आ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक टर्म, दैट इज योर लाइफ स्पैन। फर्स्ट टर्म इज लाइफ स्पैन। सो अगर लाइफ स्पैन को मैं नॉर्मल डेफिनेशन में इंक्लूड करूँ तो लाइफ स्पैन इज द ड्यूरेशन, लाइफ स्पैन इज द ड्यूरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बर्थ टू नेचुरल डेथ। मतलब एक ऑर्गेनिज्म की पूरी लाइफ जो कब से, जब से उसने जन्म लिया है, जब से उसने बर्थ लिया है, तब तक कब तक जब उसकी नेचुरल डेथ हो रही है। नेचुरल डेथ मीन्स उसके बॉडी के ऑर्गन्स, उसकी जो फंक्शनिंग है वो आपकी धीरे धीरे कम हो रही है। अल्टीमेटली नाउ योर बॉडी इज नॉट कैपेबल ऑफ फंक्शनिंग एनी मोर, तो दिस इज योर नेचुरल डेथ। डजेंट मीन कि अगर एक इंसान किसी बीमारी से मर जाए या एक एक्सीडेंट से मर जाए, दिस इज़ नॉट योर नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ क्या होगी, जब आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन काम करना धीरे धीरे बंद कर दे या फिर आपकी बॉडी में कोई ना कोई ऑर्गन माल फंक्शनिंग करने लग जाए, थोड़ा बहुत अलग चीज़ें खराब हो जाए उनकी, ताकि आपकी बॉडी प्रॉपरली मेटाबॉलिज्म ना कर पाए, तो इसे कह रहे हैं नेचुरल डेथ, ठीक है। नेचुरल डेथ के फेजेज हैं, सो दे आर द नेचुरल डेथ के कौन से फेजेज हैं। पहला आ गया आपका बर्थ, योर जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, एजिंग एंड डेथ, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, ठीक है, उसका एक चीज है कि वो मरेगा ही मरेगा। नथिंग इज इमोर्टल, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम योर वैम्पायर्स ऑब्वियसली, ठीक है, कोई भी चीज इमोर्टल नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट, सोचो 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 ऐसी कौन सी चीज है जो अमर है। दोज आर योर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर इमोर्टल। दैट मीन्स वॉट एंड हाउ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कभी मरेंगे नहीं। क्यों नहीं मरेंगे, अल्टीमेटली उनकी लाइफ का क्या होगा, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विल डिवाइड देमसेल्फ इंटू डॉटर सेल्स। तो अल्टीमेटली वो खुद को ही डिवाइड करके क्या बना रहे हैं, डॉटर सेल्स, क्लियर। सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आ गई है कि ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर इमोर्टल,
बाकी सारे क्या होंगे आपके मरने को जरूर होंगे, दैट आर दे हैव टू डाइट एनी हाउ। चलो अगर हम फेजेस की बात करें, कंप्लीट फेज इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बिन कंट्रोल इज अंडर कंट्रोल बाय योर हॉर्मोन्स। भी किसके कंट्रोल में होते हैं आपके? हॉर्मोन्स के कंट्रोल में। अगर मैं बात करूँ लाइफ स्पैन की, ठीक है, तो ये सारा फेज इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हॉर्मोन्स। ठीक है, आपके अलग अलग फेज पे अलग अलग हॉर्मोन्स हैं जो आपके एक फेज से दूसरे फेज पे जंप करते हैं। ठीक है, जुवेनाइल फेज इन केस ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड वेजिटेटिव फेज इसका एक सिनोनिम है जो हम प्लांट्स के केस में यूज़ करेंगे। सिमिलरली एजिंग इन केस ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स के केस में हम यूज़ करेंगे सेनेसेंस। क्लियर? ओके, लेट्स बिगिन। कि अब ये जो पूरी लाइफ स्पैन है ये मैं ब्रॉडली तीन चीज़ों में डिवाइड कर रही हूँ अभी आपके सामने। पहली होगी आपकी बर्थ से लेकर जुवेनाइल फेज तक, इज दैट फेज ऑफ योर लाइफ वे आर यू आर नॉट रिप्रोडक्टिवली एक्टिव। ठीक है, इस फेज में नॉट रिप्रोडक्टिवली एक्टिव, अब एक्टिव नहीं हो इस फेज में। क्लियर? एंड रिप्रोडक्टिव फेज इज दैट फेज ऑफ योर लाइफ जब आप फुली कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, मतलब गिविंग राइज टू अ यंग वंस। तो ये फेज वो होगा आपका जिस फेज में आप पूरी तरीके से फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल हैं एज वेल एज गिविंग राइज टू यंग वंस। एंड थर्ड फेज है आपका, अगेन दिस इज मार्क्ड बाय अ नॉन रिप्रोडक्टिव फेज। इस केस में आपका रिप्रोडक्शन एंड हो जाता है, नाउ यू आर नॉट दैट मच कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। यस, इस ये वाला भी फेज आपका सेम फेज है जिसमें आप रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन इस फेज में आपकी बॉडी प्रिपेयर हो रही है, आपकी बॉडी ग्रोथ कर रही है ताकि आप रिप्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, लेकिन इस केस में, इस फेज में ऐसा कुछ नहीं होगा। इस फेज में इट इज मार्क्ड बाय डिक्लाइन इन योर रिप्रोडक्टिव फेज, कि अब आप रिप्रोडक्शन फेज में, ठीक है, इस फेज में आपकी बॉडी रिप्रोडक्टिवली ग्रो नहीं करेगी। अब इस फेज में आपकी बॉडी अब रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, आपकी बॉडी धीरे धीरे उसका जो मेटाबॉलिज्म है, उसका रिप्रोडक्शन का जो रेट है वो कम होते चला जा रहा है। दैट मीन्स आपकी अब रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। सो इन केस ऑफ फीमेल्स जो आपका मार्क करता है कि दैट नाउ यू आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस एनी मोर, दैट इज मेनोपॉज। दैट इज मेनोपॉज, मेनोपॉज मार्क्स दैट नाउ यू कैन नॉट रिप्रोड्यूस एनी मोर। ठीक है, तो ये फेज आ जाएगा आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। एंड दिस फेज इज योर प्री रिप्रोडक्टिव फेज। इन प्री रिप्रोडक्टिव फेज, आई रिपीट, इन प्री रिप्रोडक्टिव फेज आपकी बॉडी ग्रोथ कर रही है, आपकी बॉडी खुद ही फुली मैच्योर हो रही है, कैपेबल खुद बन रही है ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सकें। एंड इन पोस्ट के केस में आपका ये ग्रोथ बिल्कुल बंद हो जाएगी, आपकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी बिल्कुल बंद हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज अ कंप्लीट लाइफ स्पैन। हमने क्या बात करी है सभी तक कि लाइफ स्पैन क्या है? एक ड्यूरेशन है आपका एक ऑर्गेनिज्म का फ्रॉम बर्थ टू इट्स नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ का मतलब क्या है? कि जब आपकी बॉडी के ऑर्गन्स आपके काम करने बंद कर जाएं, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम हो जाए, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग कम हो जाए। ओके, सो इन केस ऑफ ह्यूमंस जो नेचुरल डेथ है वो अल्टीमेटली आनी चाहिए हर एक ह्यूमन की अराउंड 110 टू 120 ईयर्स में। जो आजकल लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं इन केस ऑफ इन द ईयर ऑफ 52 या फिर 47 की एज में, वो नेचुरल डेथ नहीं है। दैट इज नॉट योर नेचुरल डेथ। ये नहीं कह सकते कि अपनी पूरी जिंदगी जी के चला गया वो। नो, नेचुरल डेथ सिंपली मीन्स आपके ऑर्गन्स जब तक काम कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपके नेचुरल डेथ की बात आई है। उसके बाद हमने बात कही कि लाइफ स्पैन कैसे पांच फेजेस में डिवाइडेड है, बर्थ, जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज को हमने वेजिटेटिव फेज भी बोला इन केस ऑफ प्लांट्स, रिप्रोडक्टिव फेज, एजिंग एंड डेथ। ठीक है, पांच फेज में हमने लाइफ स्पैन को डिवाइड किया है। एंड ऑब्वियसली हमने क्या बात करी है कि सारे जो लाइफ स्पैन के फेजेस हैं दे आर द अंडर कंट्रोल ऑफ हॉर्मोन्स, की हॉर्मोन्स की
रिलीज पे आपका एक फेज से दूसरा फेज जंप होगा। सिमिलरली हमने ये तीसरी बात क्या करी है कि सारे ऑर्गेनिजम्स आपके अल्टीमेटली दे हैव टू डाई, दे विल डाई, एक्सेप्ट योर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एक्सेप्ट योर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नेवर डाइज, दे डिवाइड देमसेल्फ इनटू टू हाफ्स। वो अल्टीमेटली अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं और दो हाफ्स में बना रहे हैं। क्लियर? लाइफ स्पैन के बारे में हमने क्या पढ़ा है अब तक कि लाइफ स्पैन आपकी एक पूरी ड्यूरेशन है फ्रॉम बर्थ टू डेथ। लाइफ स्पैन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी में, दैट लाइफ स्पैन इज इंडिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। कि जो लाइफ स्पैन है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की वो टोटली इंडिपेंडेंट है ऑफ देयर साइजेस। ठीक है, एनसीईआरटी में आपके सेकंड पेज पे कुछ डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, उन ऑर्गेनिजम्स की एज आप लोगों को रिमेम्बराइज करनी है। एक मार्क्स का क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। सो गाइस ये स्लाइड प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आप लोग कि एलिफेंट इज 60 to 70 ईयर्स की लाइफ स्पैन होती है उसकी, रोज की 5 to 7 ईयर्स की होती है, डॉग 25 ईयर्स, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स, क्रो 15 ईयर्स, बनाना ट्री 2 to 3 ईयर्स, काउ 25 ईयर्स, पैरेट 140 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, हॉर्स 25 to 30 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई दैट इज योर ड्रोसोफिला, ये हम वही फिफ्थ चैप्टर में पढ़ेंगे, ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जेनेटिक स्टडीज हुई हैं। ठीक है, फ्रूट फ्लाई 1 month, राइस 4 months, टॉटवाइज 100 to 150 ईयर्स, एंड बैनियन ट्री दैट इज योर 200 ईयर्स। इस चीज में आप लिख लिया, जल्दी लिखो। ओके, इसमें आप ये देखिए कि रोज 5 to 7 ईयर्स, बनाना ट्री 2 to 3 ईयर्स। ऑब्वियसली रोज प्लांट क्या है, छोटा है एज कंपेयर टू योर बनाना ट्री, पर ये ज्यादा इसकी लाइफ स्पैन है एज कंपेयर टू बड़ा वाला प्लांट। सो ये एक एग्जांपल हो गया कि जब भी लाइफ स्पैन का क्वेश्चन आएगा, अगर 2 marks का आ गया, सो यू हैव टू राइट द डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल कि लाइफ स्पैन होती क्या है, दूसरा यू हैव टू राइट दैट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर इमोर्टल, एंड तीसरी चीज दैट थर्ड पॉइंट आ जाएगा, लाइफ स्पैन इज इंडिपेंडेंट ऑन द ऑर्गेनिज्म की साइज के ऊपर। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल इसका आप ये दे दोगे, दूसरा एग्जाम्पल आप इसका दे दो काउ और पैरेट का दे दो। काउ 25 ईयर्स, पैरेट 140 ईयर्स, छोटा है काउ, बड़ी है, साइज में डिफर करता है, लेकिन पैरेट 140 ईयर्स तक जीता है, काउ 25 ईयर्स तक जीती है। यहां पर आपका प्रॉपर लाइफ स्पैन के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कर लोगे। लेट्स गो विथ फर्दर विद दिस चैप्टर, दैट इज द रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। वर्ड ही क्या, इस वर्ड को अगर हम तोड़े, री मतलब अगेन, प्रोडक्शन मतलब समथिंग टू प्रोड्यूस, अगेन प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच एन ऑर्गेनिज्म gives rise to its own kind, अपने जैसा एक और बनाना, is called as reproduction. Obviously, that's true. Doggy will not give rise to a cat by reproduction. Doggy will always give rise to a puppy. Clear? तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, reproduction में it's a biological process. पहला key point, पहला key word. दूसरा, टू रिप्रोड्यूस ऑफ इट्स ओन काइंड, वो अपने जैसा दूसरा बना रहा है। सो ये दोनों पॉइंट्स आपके रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन में आएंगे, तभी आपको सीबीएस वाले मार्क्स देंगे। क्लियर? सो प्लीज दो पॉइंट्स हैं, याद करने आसान है, बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस ऑफ इट्स ओन काइंड, याद हो गया। चलो नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन की जरूरत क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ।
लाइफ को आगे तक रहने के लिए, कि मतलब मैं मर जाऊंगी तो ऑब्वियसली मेरे बाद कौन, ठीक है, या कोई और मर जाएगा तो उसके बाद कौन, तो टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन क्या प्रोवाइड करती है आपकी ऑर्गेनिज्म में, वेरिएशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशन इज बीन अचीव्ड बाय रिप्रोडक्शन, और वेरिएशन हो रही है तो इट विल ऑल्सो लीड टू एवोल्यूशन, एक वो एक फेज जो आपके पुराने फेज से टोटली अपोजिट है, उसमें नए फीचर्स हैं, नई अडेप्टेशंस हैं, वो कब आएंगे, जब आपके वेरिएशन होगा, सो दैट मीन्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इंड्यूसिंग वेरिएशन लीड्स टू एवोल्यूशन, इंड्यूसिंग वेरिएशन, सो वर्ड यहां से याद हो जाएगा, इंड्यूसिंग वेरिएशन लीड्स टू एवोल्यूशन, ठीक है, और क्या पॉइंट हो सकता है, टू मेंटेन द स्पीशीज पॉपुलेशन, कि एक स्पीशीज की पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ डॉग्स, ठीक है, डॉग्स अपनी स्पीशीज को मेंटेन करके रखेंगे तो दे हैव टू रिप्रोड्यूस, अलग स्पीशीज होंगी उनकी पॉपुलेशन को अगर मेंटेन करके रखना है तो उनकी ही पॉपुलेशन की स्पीशीज दे हैव टू रिप्रोड्यूस, क्लियर, तो ये वाला जो पूरा पार्ट मैंने अभी आपको बताया ये आपके सीबीएसई में 2 मार्क्स में आराम से पूछा चला जाएगा, एंड एज यू नो कि बायोलॉजी का जो सीबीएसई का पेपर है 12th का, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इट वुड कंटेन 1 मार्कर्स, 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 4 मार्कर्स एज वेल एज 5 मार्कर्स, तो हमें हर एक चैप्टर को ऐसे पढ़ना होगा कि इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्लियर, तो हम हर एक चीज़ को ऐसे पढ़ेंगे, जैसे अभी तक हमने लाइफ प्रोसेस पढ़ा है तो लाइफ प्रोसेस में हमने क्या चीज़ पढ़ी, कि लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन आ सकती है 1 मार्क्स में आ जाएगी, ठीक है, या फिर हमसे ये पूछ लिया जाएगा कि वॉट आर नेम द ऑर्गेनिज्म, विच इज द ऑर्गेनिज्म विच इज इमोर्टल, तो 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास, यू हैव टू टिक मार्क द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म 4ों में से है जो यूनिसेलुलर है, तो हर एक चीज़ को हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि ये 1 मार्क्स में भी आ जाएगा, 2 मार्क्स में भी आ जाएगा, 3 मार्क्स में भी आ जाएगा, फर्दर अगर यही चीज़ रिप्रोडक्शन आपकी 3 मार्क्स में आ रही है, सो वॉट ऑल यू कैन राइट एज वेल, तो सबसे उसके बाद आ जाएगा आपका टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन की टाइप्स क्या है, अगर ये क्वेश्चन अब 2 मार्क्स से 3 मार्क्स का बन गया तब आप इसमें क्या क्या और लिख सकते हो, ऑब्वियसली डेफिनेशन आ गई, इंपॉर्टेंस आ गई, नेक्स्ट आ गया आपका टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे अभी, लेकिन उससे पहले एक चीज समझो कि ऑन व्हाट बेसिस रिप्रोडक्शन हैज बीन डिवाइडेड, कि किस बेसिस पे 2 क्लासिफिकेशन हुई है, सो देयर आर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर, फर्स्ट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट और बोथ द पेरेंट्स, कि एक पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट है या दोनों पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, दूसरा पॉइंट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, अगर मैं गैमीट्स की बात करूँ, जस्ट अ ब्रशअप, कि यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाया करेगी, गैमीट्स क्या होंगे बेटा, एंड हाउ गैमीट्स आर डिफरेंट फ्रॉम योर सेक्स ऑर्गन्स, सोचा, आओ बेटा, गैमीट्स आर योर, इन केस ऑफ मेल्स एंड इन केस ऑफ फीमेल्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ प्लांट्स एनिमल्स, प्लांट्स के केस से मेल गैमीट इज योर पोलन ग्रेन, अल्टीमेटली वो चीज़ जो फर्टिलाइज करके जायगोट बना रही है, वो चीज़ जो फर्टिलाइज करके जायगोट बना रही है, दैट इज योर गैमीट्स, एनिमल के केस में, मतलब ह्यूमंस और एनिमल्स के केस में स्पर्म्स, फीमेल के केस में यहां पर हो जाएगा आपका एग, एंड यहां पर
ओवा। हम इसके स्ट्रक्चर्स, इसके फंक्शन, ये कैसे बनते हैं, क्या होगा, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अंदर घुस घुस के पढ़ेंगे, ठीक है। एंड व्हाट आर सेक्स ऑर्गन्स? सेक्स ऑर्गन्स आर दो प्लेसेस जहां पर आपके मेल या फीमेल गैमिट बनते हैं, वो जगह जहां पे आपके मेल और फीमेल गैमिट बनते हैं। सेक्स ऑर्गन्स को हम और भी क्या बोलते हैं? गोनैड्स, ठीक है। मेल्स में स्पर्म में अगर मैं बात करूं, प्लांट्स के केस में अगर बात करूं, यहां लिख देती हूं, प्लांट्स के केस में अगर मैं बात करूं, ठीक है, मेल के केस में आएगा, प्लांट्स के केस में हो जाएगा आपका, यहां पर ही लिख देती हूं, एंड्रूशियम, एंड्रूशियम, और यहां पर फीमेल के केस में आएगा गाइनूशियम। That is, अगर मैं एंड्रूशियम को नॉर्मल भाषा में, जो अगर आपने नहीं सुना एंड्रूशियम वर्ड, जो पहले सुना हुआ है, दैट इज योर स्टेमन, एंड इन केस ऑफ व्हाट वी कॉल्ड एज अ गाइनूशियम, इट इज कार्पल। स्पर्म कहां बनते हैं आपके? टेस्टीज में। और ओवा कहां बनता है आपका? ओवरी में। सो एंड्रूशियम या स्टेमन, गाइनूशियम या कार्पल, टेस्टीज एंड ओवरी आर द डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स वेयर योर गैमीट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। सो ये गैमीट्स का बनना या ना बनना अल्टीमेटली, और इनका फ्यूजन होना या ना होना, इज द बेसिस ऑफ व्हाट? डिवीजन ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। चलो आ जाओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखते हैं। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो सबके दिमाग में आ ही गया, दैट ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। दूसरा, ऑब्वियसली जब एक ही पेरेंट है, एक सिंगल डीएनए है, ना मिक्सिंग ऑफ डीएनए हो रहा है, ना कहीं बाहर से डीएनए आ रहा है, तो दैट मीन्स नो वेरिएशन, कोई वेरिएशन नहीं होगी। बिकॉज क्यों वेरिएशन नहीं होगी, इसका रीजन ऊपर लिखा है, तो चाहो तो उसको ऐसे करके लिख सकते हो अगर कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो, कि व्हाई देयर इज नो वेरिएशन इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, सिंगल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स आर इन्वॉल्व, सिंगल टाइप ऑफ डीएनए इज इन्वॉल्व, क्लियर। आगे, इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स मे और मे नॉट टेक प्लेस। इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, नो वेरिएशन इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट इज द फॉर्मेशन एंड द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स मे और मे नॉट टेक्स प्लेस। तीसरा पॉइंट, पेन गिर गया। तीसरा पॉइंट आपका आएगा, इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली माइटोसिस टेक्स प्लेस। क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होगा और कुछ नहीं, क्लियर। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पहला पॉइंट है, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, एज ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, देयर इज सिंगल टाइप ऑफ डीएनए, देयर सिंगल टाइप ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व, देयरफॉर देयर इज नो वेरिएशन। साइमल्टेनियसली द फॉर्मेशन एंड द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विल नॉट टेक्स प्लेस, ठीक है, कोई डिफरेंट डीएनए नहीं आ रहा जो फ्यूजन होगा। नेक्स्ट, माइटोसिस विल टेक प्लेस। सो इस केस में जनरली जो ऑस्प्रिंग्स आपके बनते हैं, इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑस्प्रिंग्स आपके बन रहे हैं, दैट आर आइडेंटिकल टू पेरेंट इन टर्म्स ऑफ genetically कह लो और morphologically कह लो, genetically and morphologically they are identical to the parents, such offsprings are called as clones. clones बनते कैसे, अभी वो ही पता चलेगा, पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आ जाओ।
अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. सिंस दो पेरेंट्स हैं, दो टाइप का क्रोमोसोम होगा, दो टाइप का डीएनए होगा, दैट मीन्स वेरिएशन इज सीन, वेरिएशन इज ऑब्जर्व्ड. और वेरिएशन होगी तो एवोल्यूशन भी होगा. मैम जरूरत क्या है वेरिएशन एवोल्यूशन की होने की? जहाँ सिंगल पेरेंट है वहाँ पर क्या हो रहा है? सिंगल पेरेंट बन रहा है, सिंगल पेरेंट ऑफस्प्रिंग बना रहा है, दो की जरूरत ही नहीं है, ज़्यादा पॉपुलेशन बनेगी, ज़्यादा रिप्रोडक्शन होगा, सो व्हाई देयर इज अ नीड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सोचो जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं, ठीक है, तो और इसमें एक एक इंडिविजुअल आपका एक ऑफस्प्रिंग दे रहा है, एक से ज़्यादा देगा, ठीक है, इस केस में हम क्यों बोलेंगे कि हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत है? देन और जरूरत क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इवॉल्व होने की ड्यूरिंग द फेज ऑफ टाइम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों इवॉल्व हुआ, क्या जरूरत है वेरिएशन की? जरूरत ये है बच्चा पार्टी, वेरिएशन लीड्स टू इंक्रीज इन सर्वाइबिलिटी, कि जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा उतना ज़्यादा आपके एनवायरनमेंट से आपकी अडेप्टेशन बढ़ेगी. जितना ज़्यादा आप उस एनवायरनमेंट के उसमें अपने आपको अडेप्ट कर पा रहे हो, आपके सर्वाइवल के रेट उतने ही बढ़ते हैं. तो वेरिएशन की अगर बाय चांस कभी एग्जाम में इंपॉर्टेंस आ जाए कि व्हाई वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, व्हाई रिप्रोडक्शन लीड्स टू वेरिएशन एंड हाउ वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस आंसर कि जैसे ही वेरिएशन होता है आपकी जो एबिलिटी है टू अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट वो इंक्रीज होती है, तो आपके सर्वाइवल के रेट इंक्रीज होंगे. क्लियर? तो यहाँ पे वेरिएशन के आगे स्टार लिख के लिख लो, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ सर्वाइवल. ठीक है, बस एक छोटा सा बॉक्स बना लो ताकि पता नहीं है सीबीएसई कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे देती है. चलो उसके बाद आपकी तीसरी चीज आ जाती है फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे. इन केस ऑफ प्लांट्स इट वुड बी पॉलन ग्रेन, इट वुड बी योर ओवा या एग कैलोस्टीज को, ठीक है. इन केस ऑफ एनिमल्स देर वुड बी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, देर वुड बी अ फॉर्मेशन ऑफ ओवा. तो गैमेट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस, उनके अलग अलग डीएनए होंगे, अलग अलग जेनेटिक मटेरियल होगा, हाफ इधर से आएगा हाफ इधर से आएगा, देयर वुड बी अ जेनेटिक वेरिएशन. ये अभी हम पढ़ेंगे अगली स्लाइड में अच्छे से, ठीक है. दूसरी बात, इस केस में देयर इज नो क्लोन फॉर्मेशन, कोई क्लोन फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है, कोई यहाँ पर आइडेंटिकल नहीं होता. यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे दैट वुड बी सिमिलर टू द पेरेंट बट नॉट 100%, देयर वुड बी सम वेरिएशंस और कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आएंगे. सो ऑब्वियसली अगर कहीं भी सेल डिवीजन हमने 11th क्लास से पढ़ा, तो दो टाइप के सेल डिवीजन पढ़े थे, रिमेंबर, माइटोसिस एंड मियोसिस. क्लियर? तो जहां भी गैमीट्स की बात आएगी, आंख बंद करके आप लोग मियोसिस टिक करना, जहां भी गैमीट्स की बात आ जाए कि गैमीट्स कैसे प्रोड्यूस हुआ या गैमीट्स है तो कौन से टाइप का सेल डिवीजन हुआ होगा उस ऑर्गेनिज्म में, आंखें बंद करके यू हैव टू टिक मियोसिस. क्लियर? चलो इतना समझ में आ गया अच्छे से. हमने बहुत अच्छे से 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, इवन 5 मार्क्स हमने रिप्रोडक्शन के ऊपर एक सीबीएसई का क्वेश्चन बना लिया है. अब सीबीएसई ला के देखे, मेरे सारे बच्चे करके दिखाएंगे.